वीकडे हो या वीकेंड, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो रोजाना खबरें कर रही होती हैं ट्रेंड। तो क्या आप देखना चाहते हैं वो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़? तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आपका फेवरेट सेगमेंट जो है आज की ट्रेंडिंग न्यूज़। सास बहू और बेटियों की ट्रेंडिंग न्यूज़ में आज देखिए, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर गूंज रही हैं खुशियों की किलकारियां। घर आई है एक नन्ही परी। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी की मदद से एक बेटी को जन्म दिया है और इस बात की जानकारी प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी। सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में आ गया है ट्विस्ट, जहां राम की जान बचाने के लिए प्रिया ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और खुद हो गई हादसे का शिकार। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि राम ने अपने दिल की बात प्रिया से इस मौके पर कह दी। रियलिटी शो बिग बॉस में इस हफ्ते आपको नजर आएंगे डांसिंग मास्टर मिथुन चक्रवर्ती, जो सलमान के साथ स्टेज पर खूब सारी मस्ती करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि सलमान और मिथुन चक्रवर्ती की पहले से ही बहुत जमती आ रही है। देखने में बेड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। चला मैं ही क्यों उतर के ढोता हूँ बार बार, इसके लिए तुमने मुझे बुलाया? आपको इमिटेट करना है दादा को? सलाह कोई ये आप लोगों को किसने सिखाया? इसने ना। कोई शक क्या, व्हाट इज दिस? आप दिखाओ ना ओरिजिनल क्या था। जब ये शक शक में बदल जाएगा ना, तो फिर कोई शक नहीं रहेगा। कोई शक। तो वहीं इस हफ्ते बिग बॉस में आपको नजर आएंगे सिंगर मीका सिंह और प्रज्ञा जायसवाल भी। अभिनेता इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी डेट करते हुए नजर आए, लेकिन इस मौके पर पलक तिवारी मीडिया के कैमरों से खुद को बचाती हुई नजर आईं। आदित्य कुमार त्रिपाठी, अपनी सारी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। स्टार प्लस के सीरियल इमली में आदित्य आर्यन को मार देता है गोली। आज आता है कहानी में ट्विस्ट। तो वहीं आर्यन यानी कि फहमान ने आदित्य यानी कश्मीर के साथ अपने लास्ट दिन शूट की कुछ तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ साझा की। अब देखिए शहनाज ढिकल का ये दिलकश अंदाज, जहां पर वो लहंगा चोली में आपको अपना ग्लैमर दिखाती नजर आ रही हैं। कलर्स के शो बालिका मधु की अगर टीआरपी कम आती है तो इस शो को भी बंद किया जा सकता है। अभिनेता मनीष राय सिंघान और मेघा चक्रवर्ती की बन गई है जोड़ी नए चैनल द क्यू के सीरियल द बलम पिचकारी में, ये दोनों साथ नजर आएंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। सोनी सब के सीरियल वागले की दुनिया में आ गया है हार्ट अटैक वाला ट्विस्ट, जहां राजेश काम के प्रेशर के चलते खुद को संभाल नहीं पाए और बन गए हृदय विकार का शिकार। मैं कर सकता हूं। अरे कुछ नहीं, सबके साथ होता है। बी पॉजिटिव, जस्ट बी। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं पर जिंदगी से नहीं। ज
मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, आखिर में ढूंढना तो है ना उस चीज को। आइए हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। सोनी सब की सीरियल मैडम सर में आ गया है ट्विस्ट, जहां संतोष और चीता असद जो हसीना मलिक के केबिन में पहुंचे हैं और किसी चीज को तलाश रहे होते हैं, तभी होती हसीना और उर्मिला की एंट्री, जो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर इसके साथ ही उड़ जाते हैं चीता और संतोष के होश। हमें आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।